हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द डीएसए वन कोर्स। और आज हम बात करने वाले रिकर्शन के बारे में। रिकर्शन को यार जब भी कोई बिगिनर अप्रोच करता है तो उसको समझ में नहीं आता पहली बार में कैसे करके क्या करना है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और ठीक से समझ में नहीं आता, इसी वजह से लगता है लोगों को रिकर्शन बहुत ही हार्ड टॉपिक है। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में रिकर्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, काफी जगहों पर यूज होता है आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो इसको जानना इंपॉर्टेंट भी होता है। आज हम रिकर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख रहे होंगे और बिल्कुल बेसिक तरीके से, मतलब बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, और तीन सिंपल स्टेप्स के अंदर कैसे कोई भी रिकर्शन की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो वो आज हम देख रहे होंगे। ठीक है, ये वो तीन स्टेप्स है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इन तीन स्टेप्स की हेल्प से ही आज हम मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद रिकर्शन की दो वीडियो और आएंगी जिसके अंदर हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, देन हम बात करेंगे बैक ट्रैकिंग के बारे में। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि ये वीडियो नंबर 8 है। आप लोगों को लग रहा होगा ये 8 वीडियो कैसे, लास्ट वीडियो तो नंबर 5 थी। बेसिकली नंबर 6 और 7 जो वीडियो है, विच इज मैथमेटिक्स पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ये हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, मैंने ऑलरेडी बहुत दिनों पहले अपलोड कर दी थी और उनको मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप वहां पर देखोगे कि मैंने ऑलरेडी नंबर 6 और 7 डाल दिए हैं, और ये वाली वीडियो हमारे इस डीएसए 1 कोर्स की 8th वीडियो है। आज हम बात करने वाले बिल्कुल बेसिक्स के बारे में। तो रिकर्शन होता क्या, रिकर्शन होता क्या, रिकर्शन बेसिकली जब कोई भी फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर लेता तो उसे हम रिकर्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेमन शब्दों में कहें, कोई भी फंक्शन आपने बनाया, ठीक है, तो सपोज करो ये एक फंक्शन था प्रिंट हेलो नाम से, और ये वाला फंक्शन जब अपने आप को ही कॉल करता है, ये भी एक प्रिंट हेलो फंक्शन है और ये भी वो वाला प्रिंट हेलो फंक्शन है, जब ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है अपने अंदर तो उसे हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, ये फंक्शन आपका सी सी प्लस प्लस जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है हेलो, तो ये पहले प्रिंट कर देगा यहाँ पे हेलो, ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा प्रिंट करेगा हेलो, उसके बाद ये यहाँ पहुँचेगा, और जैसे ये प्रिंट हेलो पे पहुँचेगा ये दोबारा से इस फंक्शन के पास पहुँच जाएगा। अभी यहाँ पहुँचेगा, देन अगेन ये करेगा प्रिंट हेलो, तो एक और बार हेलो प्रिंट करेगा ये, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये दोबारा से यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये प्रिंट करेगा हेलो, फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा, और ऐसे करते करते ये इन्फिनिट टाइम्स आपका यहाँ पे हेलो प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो इन्फिनिट टाइम्स यहाँ पे हेलो प्रिंट होता रहेगा, और यही होता है रिकर्शन। रिकर्शन बेसिकली और कुछ नहीं होता, यही होता है, एक फंक्शन अपने आपको कॉल करता है हम कहते हैं रिकर्शन, लेकिन हमें इन्फिनिट टाइम कॉल्स नहीं करानी होती। हम चाहते हैं कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ही हमारा रिकर्शन चले, कुछ हम मीनिंगफुल इससे काम कर पाए, तो वहाँ पर हमें इसको फाइनाइट टाइम्स चलाना होता है। वो जरा देखते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कैसे हम यहाँ पर हेलो प्रिंट करा सकते हैं, जरा वो वाला फंक्शन देखते हैं। तो मैंने उसी फंक्शन को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, और यहाँ पर अब ये फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है, और वो आर्ग्यूमेंट है एक इंटीजर बेसिकली, और वो इंटीजर ये चेक कर रहा है कि अगर आपने n इक्वल टू 0, मतलब अगर आपने 0 टाइम प्रिंट कराना है तब तो आप यहीं से रिटर्न कर जाओ, ठीक है, कुछ आपको करना ही नहीं आगे। लेकिन अगर आपको आगे अभी n 0 नहीं है तो आप पहले प्रिंट करोगे हेलो, और उसके बाद आप इसी फंक्शन को कॉल करोगे, लेकिन इस बार n माइनस 1 के साथ कॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे इन्फिनिट टाइम ना चला के पहले इसको रोक दिया है। कैसे रोका है, सपोज करो ये फंक्शन है ये, ठीक है, ये मेन फंक्शन है जो कि कॉल कर रहा है इसको प्रिंट हेलो फंक्शन को 5 टाइम, ठीक है, 5 बार कॉल कर रहा है, तो जरा इसको ड्राई रन करके देखते हैं क्या होता है। तो पहले आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, प्रिंट हेलो 5 के लिए कॉल होगा, यहाँ पर चेक होगा क्या n 0 है, n 0 नहीं है, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हेलो प्रिंट हुआ, और यहाँ पर अभी फंक्शन कॉल हो गया, लेकिन प्रिंट हेलो फॉर n माइनस 1, पहले n था आपका 5, अब ये n माइनस 1 के लिए कॉल हो रहा है, तो मतलब अब 4 के लिए कॉल होगा। ठीक है, तो अब ये 5 ना रह के 4 हो जाएगा, अब ये 4 के लिए कॉल होगा, अब यहाँ पे फिर चेक होगा क्या n हमारा 0 है, तो n 0 नहीं है, हेलो प्रिंट होगा दोबारा से हमारा हेलो प्रिंट हुआ, और यहाँ पे आएगा, अब ये n आपका 4 था, अब ये हो जाएगा n माइनस 1, तो बेसिकली 4 से हो जाएगा ये 3, तो अब ये 3 के लिए सेम फंक्शन कॉल होगा, 3 के लिए चेक होगा क्या 3 0 है, नहीं, ऐसे करते रहोगे, ये ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि आपका n 0 ना हो जाए। ठीक है, और 5 बार आप प्रिंट कर दोगे तो अगली बार में आपका n 3 2 1, और फिर ये हो जाएगा 0। जब ये 0 होगा तो यहाँ पर चेक हो क्या हमारा n 0 है, तो हम देखेंगे हाँ हमारा n 0 है, और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, तो ये पहले यहाँ घुस चुका था, ठीक है, रिकर्सिव कॉल होते होते यहाँ पर आ गए थे, पहले रिकर्सिव कॉल में यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे करते करते ये यहाँ तक चला गया था। अब जैसे ही n हमारा 0 और रिटर्न हुआ, तो ये रिटर्न होकर पहले यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, देन यहाँ आएगा, और फिर ये हमारा बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से कॉल किया गया था। तो इस तरीके से रिकर्शन काम कर रहा है, और यहाँ पर हम इन्फिनिट टाइम्स ना जाके हम यहाँ पर सिर्फ 5 टाइम्स हेलो प्रिंट कर रहे हैं। अब हम जरा देखते हैं इन तीन स्टेप्स को, ठीक है, 3 स्टेप्स फॉर रिकर्शन, इन 3 स्टेप्स की हेल्प से आप किसी भी रिकर्शन की प्रॉब्लम को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप है फाइंड द बेस केस, सबसे पहले बेस केस फाइंड करो, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सब प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स के बीच में कोई रिलेशन फाइंड करने का ट्राई करो, देन जनरलाइज द रिलेशन, जो यहाँ से रिलेशन मिला था सेकंड स्टेप से उसको जनरलाइज कर दो, और यही चीज हमने यहाँ पर भी की है। ये देख लो, ये चीज ये है इसका बेस, ठीक है, बेस केस, हमने बेस केस फाइंड किया, बेस का फिट कर रहा है जब आपका n 0 जा रहा है, जब आपका n 0 है तब आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना,
तो वहां पर आपको रिटर्न कर जाना। तो आपको आपने फाइंड किया बेस केस क्या है। रिकर्शन हम जब भी कर रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम और एक छोटी प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम एक बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वही होता है रिकर्शन। और अब हम सेकंड स्टेप में देखते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम और एक उसके सब प्रॉब्लम के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप अगर इस प्रिंट हेलो को बोल दो एफ, ठीक है, सपोज करो ये फंक्शन है एफ और एफ ऑफ एन हमने ये फंक्शन बना दिया। अब आपको फाइंड करना है कि अगर आपको एफ ऑफ एन माइनस वन दे रखा है, ठीक है, एफ ऑफ एन माइनस वन अगर आपको दे रखा है तो आप एफ ऑफ एन कैसे निकाल सकते हो। आपको एफ ऑफ एन माइनस वन और एफ ऑफ एन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। बेसिकली आपको एक बड़ी प्रॉब्लम और एक छोटी प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन फाइंड करना होता है। अगर आपने ये फाइंड कर दिया देन आप उसको जनरलाइज कर सकते हो, जनरलाइज द रिलेशन। जैसे आपने इस रिलेशन को जनरलाइज कर दिया वैसे ही आपका पूरा का पूरा रिकर्शन तैयार हो जाता है। उसके बाद आप उसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा हो रहा है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, प्लस एक हेलो। ठीक है, ये मैं ऐसे ही बस लेमन टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका एक्चुअल कुछ मतलब नहीं है। बेसिकली एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस हेलो, मतलब अगर मैंने आपको एफ ऑफ एन माइनस वन दे दिया, सपोज करो एफ ऑफ फाइव, वो हो गया आपका एफ ऑफ फोर प्लस एक हेलो। इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने अगर आपको बोल दिया कि एफ ऑफ फोर, मतलब अगर मैंने आपको चार बार हेलो प्रिंट करके दे दिया तो आपको अगर पांच बार प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करोगे। आपने जो चार बार जो प्रिंट करके हेलो मिल रहा था उसके अंदर एक और हेलो डाल दिया और अब आपका पांच वाला भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको यहां पर से समझना थोड़ा मुश्किल है, इसको एक अच्छे एग्जांपल की हेल्प से जरा समझते हैं। ठीक है, तो सपोज करो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, आपको रिकर्शन का यूज करके एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। आपको बेसिकली फंक्शन कंप्लीट करना है, ये फंक्शन है सम फंक्शन, इसमें आपको एन दे रखा है और आपको वन से लेकर एन तक कितना सम बन रहा है वो आपको फाइंड करना है। इसका ओ वन में भी आप कर सकते हो इजीली, बेसिकली एन इंटू एन प्लस वन बाई टू वाला फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो, जिससे आप ओ वन में हो जाएगा। देन आप फॉर लूप लगा के भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे रिकर्शन का हेल्प से आप कैसे कर सकते हो इसे। ठीक है, तो वही ये वाले जो तीन स्टेप्स हैं, ये तीन स्टेप्स हमें यहाँ पर लगाने हैं। पहला स्टेप है फाइंड द बेस केस। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करो बेस केस क्या है। बेस केस कब हिट होगा, जब आपको दे रखा है एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, जब आपको एन वन दे रखा है मतलब सिर्फ एक नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो वो तो आपका वन ही होगा, राइट। तो ये हो गया आपका बेस केस कि इफ एन इक्वल्स टू वन रिटर्न वन। जब आपका एन वन दे रखा है तो आप वहीं से रिटर्न कर दो और बोल दो कि आंसर वन है। उसके बाद आपको फाइंड करना होता है द रिलेशन बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सम ऑफ एन फाइंड करना। ठीक है, तो सम ऑफ एन हमें फाइंड करना है, ये है प्रॉब्लम। और अब इसके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सम ऑफ एन सपोज करो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फोर, तो सम ऑफ फोर और सम ऑफ थ्री में रिलेशन क्या है। मैंने बोल दिया आपको कि मैं आपको सम ऑफ थ्री ला के दे रहा हूं, मतलब मैं आपको तीन नेचुरल नंबर्स का सम ला के दे रहा हूं। आप बताओ कि चार नेचुरल नंबर्स का सम कैसे बताओगे आप। आपको फर्क नहीं पड़ता मैं कैसे आपको तीन नेचुरल नंबर्स का सम ला के दे रहा हूं, आपको बस बताना है कि मैंने अगर आपको ये ला के दे दिया इसका रिजल्ट तो आप ये मुझे कैसे बता सकते हो। तो आप बोलोगे ठीक है आप मुझे ये ला के दे दो, कैसे भी करके मैं इसके अंदर फोर ऐड कर दूंगा और मेरा फोर नेचुरल नंबर्स का सम आ जाएगा। ठीक है, यहां से जो भी रिजल्ट आएगा, तीन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री, राइट, वन प्लस टू प्लस थ्री। मैंने आपको वन प्लस टू प्लस थ्री ला के दे दिया, ये मत पूछो मैंने कैसे ला के दिया, इसे हम कहते हैं रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ। ठीक है, कि ये ना पूछना कि ये सब प्रॉब्लम कैसे काम कर रही है, ये सोचना भी नहीं होता हमें। ठीक है, रिकर्शन में हम जैसे जैसे करके आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें ये नहीं सोचना होता कि सब प्रॉब्लम कैसे काम कर रही है, वरना हम सब प्रॉब्लम्स में ही उलझे रह जाते हैं और इसी वजह से कई बार रिकर्शन बिगिनर्स को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम्स के अंदर घुसते जाते हैं। सब प्रॉब्लम्स के अंदर घुसना ही नहीं होता, ऊपर ही ऊपर से खेलना होता है। ठीक है, रिकर्शन में मास्टर आप तभी कर सकते हो जब आपको ऊपर ही ऊपर से खेलना आ जाए, अंदर नहीं घुसना होता रिकर्शन के अंदर। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा डीप डाइव कर रहे हैं फिर भी समझने के लिए। ओके, तो मैंने आपको सम थ्री ला के दे दिया। ठीक है, सम थ्री का मतलब है वन प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है, मैंने आपको ये ला के दे दिया, आप बोलोगे मुझे सम फोर फाइंड करना है, तो मैं इसी रिजल्ट के अंदर एक फोर ऐड कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मैंने आपको वन प्लस टू प्लस थ्री विच इज सिक्स, मैंने आपको सिक्स ला के दिया, आपने सिक्स के अंदर फोर ऐड किया और आपने मुझे बोल दिया कि सम फोर जो है वो टेन है। तो मैंने रिलेशन फाइंड कर लिया एक बड़ी प्रॉब्लम में और एक उसकी सब प्रॉब्लम में। ठीक है, रिलेशन इज दिस सम ऑफ एन, इसको आप जनरलाइज करेंगे। थर्ड स्टेप है कि इसको जनरलाइज करो। एक बार आपको पैटर्न मिल गया, ये हम क्यों कर रहे हैं, सेकंड स्टेप को क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम पैटर्न फाइंड कर सकें। ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम के बीच में कोई पैटर्न फाइंड कर सकें जिसकी वजह से हम इसे जनरलाइज कर पाएं। तो हमें पैटर्न तो ऑलरेडी मिल चुका है, अब हम इसे इजीली जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे करेंगे कि सम ऑफ एन इक्वल्स टू एन प्लस सम ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, ये इसका एक जनरलाइज सॉल्यूशन हो गया। और जब आप ये फाइंड कर लेते हो उसके बाद इसको कोड करना बहुत ही आसान रहता है, और मैंने यहाँ पे कोड कर भी दिया है। कोड करने के लिए कुछ नहीं, आपने बेस केस फाइंड किया, ये तो बेस केस हो गया।
उसके बाद आपने ये लिख दिया रिटर्न एन प्लस सम ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, एन प्लस सम ऑफ एन माइनस वन रिटर्न कर दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन, फाइंड ए रूट पावर बी यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। ए रूट पावर बी आप कैसे निकाल सकते हो, बेसिकली दो आपको दे रखे नंबर ए और बी, और आपको फाइंड करना है ए रूट पावर बी। सपोज करो थ्री और फोर दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि थ्री रूट पावर फोर कितना होगा, विच इज लाइक 81, तो यहाँ पर आपको बताना है थ्री रूट पावर फोर कितना होगा। ए रूट पावर बी आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग रिकर्शन। ये हम फॉर लूप का यूज करके बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हम जरा देखते हैं रिकर्शन की हेल्प से हम कैसे कर पाएंगे। अगेन हम ये तीन स्टेप्स सॉल्व करने वाले हैं। पहला स्टेप है फाइंड द बेस केस, तो जरा बेस केस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो बेस केस क्या होगा यहाँ पे, बेस केस मुझे दिख रहा है जब आपका बी जीरो होगा तो आपका बेस केस हिट हो जाएगा बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर जीरो जब होती है तो वो वन होता है, लाइक थ्री इज पावर जीरो वन होगा आपका, किसी भी नंबर की पावर जब जीरो होगी तो वो नंबर आपका वन होता है। तो बेस केस हमारा जीरो होगा कि जब भी आपको बी इक्वल टू जीरो हो गया तो आपको रिटर्न कर देना वन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस केस, बहुत इजी था बेस केस फाइंड करना। देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सब प्रॉब्लम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं जरा वो देखते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम जो है वो ये है ए रेज पावर बी, राइट, ए रेज पावर बी। सब प्रॉब्लम क्या होगी, सब प्रॉब्लम होगी आपकी ए रेज पावर बी माइनस वन, ठीक है। ए रेज पावर बी आपकी प्रॉब्लम है और ए रेज पावर बी माइनस वन आपकी सब प्रॉब्लम है। सपोज करो मैं बोल दिया आपको कि मैंने आपको थ्री रेज पावर फोर निकालना है और मैंने आपको थ्री रेज पावर थ्री दे दिया कैसे भी करके, आपको नहीं टेंशन लेनी कि मैंने कैसे दिया है, मैंने बस आपको दे दिया थ्री रेज पावर थ्री। यहाँ पर रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ अगेन लगाओ, आपको सोचना नहीं कि ये आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा, मैंने आपको बस दे दिया। लेकिन क्या मैं जब आपको ये दे दूंगा तो आप थ्री रेज पावर फोर निकाल पाओगे, तो आप बोलोगे हाँ भाई निकाल लेंगे, आप मुझे थ्री रेज पावर थ्री ला के दो, मैं इसके अंदर थ्री का मल्टीप्लाई कर दूंगा और थ्री रेज पावर फोर मिल जाएगा। मैं बोलूँगा ठीक है आपका भी काम हो जाएगा, तो मैं आपको थ्री रेज पावर थ्री ला के दूंगा और आपको थ्री पावर फोर कैलकुलेट करने के लिए बस इसके अंदर थ्री का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा एक ही एग्जांपल से हमें पता चलेगा कि जनरलाइज कैसे कर सकते हैं इसे। अब तो नंबर थ्री है जनरलाइज द रिलेशन। तो आप ए पावर बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए पावर बी माइनस वन के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ए का। इसको अगर एक फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो वो भी बहुत आसान है। तो सपोज करो फंक्शन है ये, फंक्शन है एफ ऑफ ए बी, तो वो निकाला जा सकता है अगर आप मेरे को दे दो एफ ऑफ ए बी माइनस वन मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। तो ये फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया, इस बार फंक्शन की फॉर्म में आपने लिख दिया, तो उसके बाद इसको बड़े इजीली कोड किया सकता है। तो इसको कोड आप इजीली कर सकते हो, मैं इसका कोड नहीं करने वाला। अच्छा ये तो हो गया ए पावर बी यूजिंग रिकर्शन, और यहाँ पर आप देख रहे हो ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये वाला जो रिकर्सिव लूप है आपका ये एन टाइम चल रहा है। आपको अगर इसे थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करना, तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक फास्ट पावर वाला मेथड होता है, जो हमने लास्ट वीडियो जो थी इसकी प्लेलिस्ट की नंबर सेवन वीडियो, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने फास्ट पावर वाला मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है, वो भी रिकर्सन का यूज़ कर रहा है। और वहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि इसी मेथड को आप ओ ऑफ एन से ओ ऑफ लॉग एन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो जाके आपने देख ही लिया होगा वैसे, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा उसे, बस मैं आपको रिकर्सन के आपको बेसिक चीज़ें बता रहा था, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। और आई थिंक आई होप आप लोगों को समझ में आ भी गया हो कैसे रिकर्शन काम कर रहा है। और यहीं हमारी ये वाली वीडियो ख़त्म भी हो जाती है। इसके अंदर हमने देखा कि कैसे आप रिकर्शन का बेसिक्स काम करते हैं, ये तीन स्टेप्स कैसे यूज़ होते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं, आने वाली वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।